हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर मूवी के रिलीज डेट से 11 दिन पहले रिलीज हुई है। और ऑनेस्टली यार, ट्रेलर ने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। मैं बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं रख रहा था इस ट्रेलर से, लेकिन आई एम सरप्राइज और एक उम्मीद लग रही है कि मूवी एंटरटेनिंग होगी। ट्रेलर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसने मुझे सरप्राइज किया, जैसे जोक्स को बहुत ही कम रखा गया है एंड ट्रेलर को बहुत ही अच्छे से एडिट किया गया है। तो हाँ, ये मुझे एक टिपिकल भाईजान वाली फिल्म लग रही है जिसको हम फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज यार, आफ्टर आज के टाइम में भी भाईजान की फिल्म कंप्लीट फैमिली ओरिएंटेड ही होती है। तो हाँ, ट्रेलर से मूवी के लिए उम्मीद तो लग रही है, बिकॉज ट्रेलर को जिस तरीके से काटा गया है मजा तो आ रहा है। बस डर इस बात का कि थिएटर में हमारा चूतिया ना कट जाए। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि किसी का भाई किसी की जान ऑफिशियली रीमेक है साउथ की फिल्म वीरम मूवी की, और इस मूवी को हिंदी में डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन हमारे ऑस्कर लेवल के डायरेक्टर फरहाद सामजी, जिनके पहले की मूवीज इतनी ज्यादा ऑस्कर लेवल की थी कि देखने वालों ने बोल दिया बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखो मूवी चल जाएगी नो डाउट, बिकॉज आखिर में है तो ये भाई की फिल्म, लेकिन फरहाद सामजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने जहाँ इस बंदे का नाम सुन लिया किसी मूवी से, मैं पहले से ये मान के चलता हूँ कि ये बंदा हक देगा। पर खैर, इन दी एंड जैसा कि मैंने बोला कि ये फरहाद की नहीं भाई की मूवी है, सो भाई अपना कुछ ना कुछ तो एलिमेंट डालेंगे ही। लेकिन फिर एक और सवाल आ जाता है कि ओरिजिनल फिल्म हिंदी डब में जब यूट्यूब पे फ्री में है तो कोई देखने जाएगा इस मूवी को? वेल, इसका आंसर है हाँ, और इसको देखने के दो रीजंस हैं। एक तो ये कि बहुत से लोगों ने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी होगी, एंड दूसरा तो ये कि जिन लोगों ने ओरिजिनल मूवी देख लिए उनके लिए मूवी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए गए होंगे। प्लस मूवी में साउथ के बहुत से एक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली ये मूवी नॉर्थ एंड साउथ बेल्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट इन दी एंड बात वही आ जाती है कि मूवी का स्क्रीन प्ले कैसा है एंड मूवी कितना एंटरटेन करती है, बिकॉज मैं खुद इस मूवी को फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। जिस तरीके से ट्रेलर ने एक मास वाली वाइब दी है एंड देन एक फैमिली एनवायरनमेंट दिखाया है, मैं मूवी को लेकर जेन्युइनली इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन इस बंदे में मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। अब वैसे देखो, नेटपिकिंग करने जाओ तो ट्रेलर में ऐसे बहुत से कुछ दिखाया गया है जिनको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे डायलॉग्स ने कुछ इम्पैक्ट नहीं दिया, कुछ याद रहने वाले मूवमेंट्स भी नहीं थे ट्रेलर में, एंड देन बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे भाई का ये लॉन्ग हेयर वाला लुक पसंद नहीं आया। देखो, सलमान खान अपने आइकॉनिक लुक्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे दबंग का चुलबुल पांडे का वो लुक, या फिर तेरे नाम से राधे का वो लुक, या फिर बॉडीगार्ड का वो लुक, यहाँ पे वो चीज मुझे मिसिंग लगी। बाकी देखो यार, ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी अगर मूवी एंटरटेनिंग निकली तो, बिकॉज अगर हम अपने फैमिली के साथ जा रहे कोई मूवी देखने थिएटर में तो मूवी इतना अपीलिंग होना चाहिए कि थिएटर में हम उसको एंजॉय कर सके, वरना नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का पासवर्ड हमारे पास भी है। बाकी यार, आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। With that being said, thank you watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल के पेजेस को जाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टिल देन कीप वॉचिंग। शनि बाबा से बचे।